बहुत साल पहले। रुको, कहानी मैं सुनाऊंगी। और मैं भी। ठीक है, चलो सब मिलकर सुनाएं। बढ़िया। आहा, तुम शुरू करो। बहुत साल पहले एंचेंसिया नाम के एक जादुई राज्य में सोफिया नाम की एक नन्ही बच्ची रहती थी। सोफिया अपनी माँ मिरांडा के साथ जूतों की एक छोटी सी दुकान में काम करती थी। लेकिन एक दिन उन्हें महाराजा रोलैंड द्वितीय का बुलावा आया, जिन्हें नए शाही जूते चाहिए थे। उम्मीद है वो नीले रंग के हो। नहीं, लाल। चलकर देखते हैं। सोफिया और उसकी माँ महल पहुँची। सोफिया महाराज से मिलने को बहुत ही उत्सुक थी। मिरांडा ने महाराज के पैरों में शाही जूते पहनाए, जैसे कि वो उनके लिए बने थे, और वो दोनों भी। महाराज रोलैंड और मिरांडा की जल्द ही शादी हो गई। और शायद आपको लगे कि कहानी यहीं खत्म होती है, पर ये तो कहानी की शुरुआत है। सोफिया जल्दी करो बेटा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। अपना ध्यान रखना सोफिया, हमें भूल मत जाना। अलविदा जीन, अलविदा रूबी। अलविदा, हमें भूल मत जाना। अलविदा। हमारा कमरा कैसे होगा? सोफिया, अब जबकि हम महल में रहने वाले हैं, तो वहाँ तुम्हारा अपना खुद का कमरा होगा। सोफिया प्रथम एक थी राजकुमारी। अब ज्यादा देर तक यहाँ की सबसे खूबसूरत राजकुमारी नहीं रहोगी। एम्बर, जेम्स, हमें विश्वास है आप दोनों पूरे मन से अपनी बहन का स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल पिताजी। महाराज। महाराज रोलैंड द्वितीय। महारानी मिरांडा। कैसे हो? सुप्रभात सोफिया। सुप्रभात राजकुमार जेम्स। राजकुमारी एम्बर, मैं कितनी खुश हूँ कि अब हम बहने हैं। सौतेली बहने। एम्बर, जेम्स, ज्यादातर कहानियों में सौतेली माँ बच्चों से अच्छे से पेश नहीं आती, पर मैं वो बदलना चाहती हूँ। ये लो, मैंने इन्हें अपने हाथों से सिया है। ये तो हमारा शाही चिन्ह है। बिल्कुल सही जेम्स, इस पहचान को हम बरकरार रखेंगे एक परिवार बनकर। सोफिया, परिवार में आपका स्वागत है। महारानी मिरांडा और राजकुमारी सोफिया की जय हो। सेड्रिक, हमने फूलों की बरसात कहा था, पानी की नहीं। माफ कीजिए महाराज, इसे चलाना अभी तक सीख रहा हूँ। ये है सेड्रिक, हमारे शाही जादूगर। इनके पूर्वज भी हमारे वहाँ जादूगर हुआ करते थे, इसलिए अब तक यहाँ है। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश। क्या मैं भी हाथ ले रहा हूँ? हाँ, आपको भी हाथ लहराना चाहिए। ठीक है। सिर्फ शाही लोगों के सामने झुकते हैं। मुझे लगता है यहाँ के तौर तरीके सीखने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए जैसा हम करें हमारे पीछे वैसा ही करें। बढ़िया, मतलब हम आगे रहेंगे और आप हमारे पीछे पीछे आएंगे। ओह ठीक है, आ रही हूँ। ओह जरा संभल कर, ये नई राजकुमारी की राजगद्दी है। ठीक है। राजकुमारी जरा संभल कर चलिए। जादूगर सीड्रिक। मेरा नाम सेड्रिक। आप जैसे सचमुच के जादूगर से मिला मेरे लिए एक सपना है। फूलों वाला जादू तो कमाल था। अगर कमाल से तुम्हारा मतलब है मेरे बेहुदा कारनामे, तो उसके लिए शुक्रिया। मुझे तो आग उगलने वाले बड़े बड़े राक्षसों को पकड़ना है। पर नहीं, महाराज तो कुछ और ही चाहते हैं। चा?
जादूगर सीट्रिक। मेरा नाम है बेली मेक, मैं महल का प्रबंधक हूँ। महल की सारी चीजें सही वक्त पर सही जगह पर हैं या नहीं ये देखना मेरी जिम्मेदारी है, और आपको होना चाहिए था भोजन गृह में 30 सेकंड पहले। जल्दी कीजिए। जा रही हूँ। सोफिया कहिए महाराज। हमें रोलन कह सकती हो, या ए मुकुट पहने हुए इंसान, या फिर पिताजी। यहाँ की रीत है कि शाही परिवार के सदस्यों का शाही अंदाज में स्वागत किया जाता है। आपकी माँ का स्वागत शादी के दिन किया गया, और आपके लिए अगले हफ्ते हमने एक शाही समारोह आयोजित किया है। जेम्स बीच में नहीं बोलते। शाही समारोह मेरे लिए? पिताजी ये सब हमारे लिए क्यों नहीं किया? किया गया था आपके और आपके भाई के जन्म के बाद। आपको याद नहीं बहना? सोफिया ये आपका शाही स्वागत होगा, और आपको हमारे साथ नृत्य करना होगा। ओ रोली कितना मजा आएगा। मुझे नृत्य करना होगा? क्यों नहीं, इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा लोगों को बताने का कि राजकुमारी सोफिया राज्य में पधार चुकी हैं। ये मेरा कमरा है? नहीं राजकुमारी, ये आपका कमरा है। ये उतना ही बड़ा है जितना होना चाहिए। इसमें आपका शाही बिस्तर है, खिड़की, खेलने की जगह और पढ़ने की जगह, और यहाँ पर आपको आपके सारे शाही कपड़े और जेवरात मिलेंगे। सुंदर। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपको सिर्फ इसे खींचना है। जी राजकुमारी आपने बुलाया, क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है? ठीक है, अब आप जानती हैं कि आपको कुछ चाहिए तो क्या करना है। शुभ रात्रि। क्या हुआ मेरी बच्ची, बोलो ना। मुझे वो शाही समारोह नहीं चाहिए। ओ सोफिया, लेकिन तुम्हें तो समारोह में जाना अच्छा लगता है, और ये तो खास तुम्हारे लिए है। पर मुझे राजकुमारी बनने के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे नृत्य करना भी नहीं आता। मैं गिर जाऊंगी और सभी मुझ पर हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी कोई भी राजकुमारी पर नहीं हंस सकता। कहने की बात है। यहाँ सोफिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, और अगर तब भी उन सारे नीरस शाही लोगों को वो पसंद ना आए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोफिया हम आपके लिए कुछ लाए हैं, एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। कितना सुंदर है ये। ये एक बहुत ही विशेष रक्षा यंत्र है, वचन दीजिए आप इसे कभी नहीं उतारेंगे, इस तरह आप इसे कभी नहीं खोएंगे। मैं वचन देती हूँ। चलिए अब सोने का वक्त हो गया, कल आपको राजगुरुकुल जाना है। राजगुरुकुल? बिल्कुल सही, जहाँ सारे राजकुमार और राजकुमारी शाही तौर तरीके सीखने आते हैं। शाही समारोह के बारे में भी आप वहीं पर सीखेंगी, और हम उसी दिन की राह देख रहे हैं। मैं भी, धन्यवाद। शुभ रात्रि सोफिया। आपको भी। सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। क्षमा करे जादूगर सीड्रिक। सीड्रिक तुम देख कर क्यों नहीं हो, तुम्हारा लॉकेट कितना सुंदर है ना, महाराज ने मुझे दिया। जल्दी हूँ, शुभ रात्रि। उसके पास एवेलार का लॉकेट है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। ओह, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की, इतने सालों से एवेलार का लॉकेट मेरी नजरों के सामने यही था, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा। बस अब मुझे वो राजकुमारी से छीनना होगा, और मुझे इतनी ताकत मिलेगी कि मैं पूरे राज्य पर राज करूंगा। शायद मैं अब राजकुमारी बनने के लिए तैयार हूँ। Thank you.
यहाँ क्या हो रहा है? ये एक महल है, कोई खेत नहीं। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, शू, शू, निकलो, निकलो यहाँ से। नाश्ता 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, उसके बाद राजगुरुकुल जाना है। आ जाओ सोफिया। हे, मेरे लिए रुको। बताओ इन घोड़ों को। राजकुमारी सोफिया, ऊपर देखो बेटा, हमारे इस राजगुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ फ्लोरा, ये है फोना और ये है मेरी वेदा। हम प्रधान अध्यापिकाएं इस राजगुरुकुल की। हम सब कितने खुश हैं कि तुम यहाँ आई हो। हमें हमेशा अच्छी राजकुमारियों की तलाश रहती है। ये अच्छी बात है क्योंकि शुक्रवार तक मुझे राजकुमारियों जैसा बनना है। तुम्हारे पहले पाठ का वक्त हो गया है, शुभकामनाएं। बच्चों, हमारे बीच एक नई छात्रा आई है, स्वागत करो। सुप्रभात। 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 ये क्या किया? रुकिए, मैं उठा के देता हूँ। ये रही आपकी किताब। और फिर उसने सारे कांटे चम्मच जमीन पर गिरा दिए। मैं हूँ सोफिया, एम्बर की बहन। सौतेली बहन, वाह कितना अच्छा लॉकेट है। धन्यवाद। इसे शाही समारोह में पहनेंगी। हम सब वहाँ होंगे, हमें उसका इंतजार है। एम्बर, आप यहाँ क्या कर रही हो? हमें लगता है कि सोफिया को जादुई झूले पर बैठना चाहिए। पता नहीं एम्बर, पिताजी ने कहा है उसे अच्छे से पेश आना। लेकिन हम हर विद्यार्थी का ऐसे ही तो स्वागत करते हैं ना। वैसे बात तो सही है। सुनो सोफिया। कहो जेम्स, कुछ काम है? आपने जादुई झूले पर बैठ के देखा? उसे झूलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप झूलता है। जाइए बैठ के देखिए। अपने आप झूलता है? ऐसा पहले कभी नहीं सुना। ओ नहीं, अब आएगा मजा। बहुत मजा है जेम्स, तुम जीत गए। ओ नहीं, फिक्र मत करो, पहला दिन सबके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया था। अगला वर्ग शुरू होने से पहले कपड़े सुखाने होंगे। सोफिया रुकिए, आपने तो कहा था वो आपकी बहन है। वो है। ये आवाज कैसी? ओ, एक नन्हा सा पंछी। डरो मत, मैं मदद करती हूँ। अब तुम ठीक हो, बस तुम और माँ जैसे होना चाहिए। हाँ? अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सब नहीं करनी चाहिए थी। सोफिया रुकिए। राजकुमारी सोफिया, राजगुरुकुल में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल। ओ बेचारे राजकुमारी,
वैसे कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मेरा तहखाना देखने चलो? मेरा मतलब जादुई कमरा, पता है अब तक वो महाराज ने भी नहीं देखा है। बस यहाँ से ऊपर आ जाओ। और यही है वो जगह जहाँ जादू ही जादू होता है। ओ, ये बस वर्मवुड है मेरा कौवा। अब शांत हो जाओ वर्मी, तुम राजकुमारी को डरा रहे हो। देखो मैं सारे जादू शाही कार्य बनाता हूँ यहाँ पर। वाह, ये तो कमाल की जगह है मिस्टर सीड्रिक। हे, ये तो मेरे रक्षा यंत्र जैसा है। अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो राजकुमारी जी। ओ, पर तुम्हारे पास एवलार का लॉकेट है तो तुम्हें इसके जादुई शक्तियों के बारे में तो पता ही होगा। तुम्हारे हर किए का फल जरूर मिलेगा, अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा। सच? हाँ बिल्कुल, वैसे अगर ये असली लॉकेट है तो, लेकिन इसकी सच्चाई का पता सिर्फ मेरे जैसे एक सच्चा जादूगर लगा सकता है। ये सच है या झूठ मैं अभी दिखा सकता हूँ। मुझे नहीं पता, वो भी तुम्हें तुरंत लौटाऊंगा, मेरा वचन रहा। मैंने भी वचन दिया है कि इसे कभी नहीं निकालूंगी, और मेरी माँ कहती है कि टूटा हुआ वचन फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। वो बिल्कुल सही कहती है। ओ, कितनी देर होगी? देखो उम्मीद है तुम्हें ये सब अच्छा लगा। मैं जानता हूँ यहाँ सब सीखने में तुम्हें वक्त लगेगा, तो अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। हाँ, वो लॉकेट मेरा होकर रहेगा। क्या तुम्हें लगता है इसे उठाना चाहिए? मजाक कर रहे हो? कल वो हमें देखकर चिल्लाने लगी थी, मेरे तो कान ही फटने वाले थे। मैं चिल्लाने वाली नहीं हूँ। तब तो ठीक है। तुम हमें सुन सकती हो? तुम बोल सकती हो? क्या ये कभी चुप रह सकता है ऐसा पूछो? हे, वैसे तुम हमें कैसे सुन सकती हो? क्या ये कोई जादू है? तुम्हारे हर किए का फल जरूर मिलेगा, अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा। मैंने कल एक नन्हे पंछी की मदद की और शायद रक्षा यंत्र ने मुझे प्राणियों से बात करने की शक्ति दी। ये तो बढ़िया है, क्योंकि तुम राजकुमारी हो इसलिए मैं तुमसे अभी के अभी कुछ जानना चाहता हूँ। क्लोवर अभी नहीं, उसे तैयार होकर गुरुकुल जाना है। कोई बात नहीं क्लोवर, बताओ। रुको रुको, मुझे दिकारी देने की जरूरत है, मुझे नीचे रखो। गलती हो गई, तुम इतनी प्यारी हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं सकी। तो रोका करो, मदद करोगी? ठीक है, तो अब ये बताओ कि हम जंगल के जानवर तुम राजकुमारियों के इतने सालों से मदद क्यों करते आए हैं? मुझे नहीं पता। आपको क्या चाहिए? मैंने एक गड़बड़ की है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक जादुई मंत्र जिसे सब गहरी नींद में चले गए। मैंने शायद उसे गलत पढ़ा, ये सब मेरी गलती है। नहीं सोफिया, आप ऐसा नहीं करती। अगर आपको जादुई जूते नहीं दिए होते, हमें जलन हो रही थी, क्योंकि सब लोग आपको पसंद करते हैं, यहाँ तक कि हमारा भाई भी। ये सच नहीं है, तुम राजगुरुकुल की सबसे चहेती राजकुमारी हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं कितनी खुश थी जब पता चला तुम मेरी सौतेली बहन बनने वाली हो। सोफिया, हम बहनें हैं। अब इन्हें कैसे जगाए? इसे ठीक करने का सेड्रिक के पास जरूर कोई मंत्र होगा। वो कमरे को हमेशा ताला लगाए रखते हैं। चाबी कहाँ है? मुझे पता है। सर अपना हाथ तो देना। ये रही। हम वर्मवुड के बारे में तो भूल ही गए, वो हमें किताब तक नहीं पहुंचने देगा। हमें किसी की मदद लेनी होगी। मदद कौन करेगा, सभी तो सो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सब योजना के हिसाब से चलो। तुम योजना भी बनाते हो? हे, ये जानवर तो हमारा कमरा साफ क्या करते थे, सोचते थे कहाँ चले गए। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
कौवे। हमारी बहन से दूर रहना कौवे। पंछियों और मेरे साथियों, एम्बर ने जिंदगी में पहली बार झाड़ू को हाथ लगाया है और उसने असली कचरा साफ कर दिया। अब उन्हें ठीक करने का मंत्र ढूंढते हैं। वो है कहाँ? मुझे नहीं पता। क्यों वर्मवुड, इतने शांत क्यों हो? शर्मिंदा हो रहे हो? एक खरगोश ने तुम्हें मार दे दी। तुम्हें ऐसे लगता है जीत तो मेरी हुई है? उन्हें कभी पता नहीं चलेगा मंत्र को ठीक करना। देख नहीं रहे हो, उनके पास तुम्हारे मालिक की किताब है। पर मंत्र ठीक करने वाली किताब उस तस्वीर के पीछे है। अब बताओ जीत किसकी हुई? धन्यवाद वर्मवुड। ओह, मैंने जो कहा वो उसे समझ में आया। मिल गए, चलो चले। क्या हुआ, हम बटे हुए पोशाक में नहीं आ सकते? आप जाइए, तुम्हारे बिना नहीं। चलो साथ। मैं अपने गुड़िया के कपड़े बचपन से सीती आई हूँ। ये देखो, एकदम नए जैसा। धन्यवाद सोफिया। अब मुझे जाकर नृत्य करना होगा। रुकिए, हम भी कुछ ठीक कर सकते हैं। हम आपको अभी नृत्य सिखाएंगे। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। सर्वं जागरणं करिष्ये। एप्पल, ये काम कर रहा है। सोफिया, क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरी मौत मारी गई है। माफ करना, हम कोई बहुत अच्छे नर्तक नहीं हैं। पॉपऑफ की नृत्य कक्षा में हमने कभी ध्यान नहीं दिया, पर आपने जरूर दिया है। आप बहुत अच्छा नृत्य करती हैं। धन्यवाद महाराज, मेरा मतलब पिताजी। इसमें एम्बर ने मेरी बहुत मदद की है। उन्हें नृत्य करना हमने सिखाया। हाँ? माँ, आप हमारे साथ नृत्य करेंगी? हाँ, क्यों नहीं जेम्स। मेरा एक सवाल है, सब आपको रोलन द्वितीय क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी जो हमसे पहले राजा थे, उनका नाम भी रोलन ही था। तो मुझे लगता है मेरा नाम होना चाहिए सोफिया प्रथम। शायद आप सही कह रही हैं।